गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? जब हम एलिफैटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ प्रतिस्थापित करते हैं तो जो नया कंपाउंड मिलता है उसको हम बोलते हैं एल्कोहल। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको, जैसे एलिफैटिक कंपाउंड किसे बोलते हैं? खुली श्रृंखला को, जैसे मेथेन हुआ। अब मेथेन को, इसका नाम क्या है? मेथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ प्रतिस्थापित करना है तो CH3 और सिंगल बॉन्ड OH, तो ये क्या बन गया? मेथेनॉल, मेथेनॉल। इसी तरह जैसे CH3, CH2 और OH, तो ये क्या बन गया? एथेनॉल। इसके बाद और भी ले लेंगे, जैसे CH3, CH2, CH2। अब कहीं भी यहाँ पर 3 कर दीजिए, यहाँ से लगा के यहाँ हटा दो, यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिए। अब ये भी क्या है? मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन टू ऑल। ये सारे एल्कोहल हैं। एल्कोहल का सिंपल सा मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, एली फैटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को विस्थापित करो और उसको किसके साथ प्रतिस्थापित करो? हाइड्रॉक्सिल के साथ, तो आपको मिल जाएगा ROH, एल्कील एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले वर्गीकरण में हम ये देखेंगे, इसके कई बेसिस है, किस आधार पे हमको बताना है कि एल्कोहल का क्या क्या प्रकार है, कितने हैं। तो अगर हम हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर अगर एल्कोहल के बारे में बताएँ तो एल्कोहल जो है 3 तरह का होता है। अगर एल्कोहल कंपाउंड में अगर हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या 1 होता है तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। यदि हाइड्रॉक्सिल समूह 2 बार है कंपाउंड में तो उसको डाई या सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं, अगर 3 है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। आइए यहाँ देखते हैं, जैसे कोई भी कंपाउंड ले लो, CH2, इसके पास एक खाली है, अगर हम OH और यहाँ कर देते हैं 3, तो इस कंपाउंड में जो है एल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप जो सिंगल बॉन्ड OH 1 बार है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अगर यही CH2 OH और OH, तो इस कंपाउंड में एल्कोहल 2 बार है तो ये किसका हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक, ये हो जाएगा डाई हाइड्रिक एल्कोहल। इसी तरह तीसरा एग्जांपल ट्राई का हो जाएगा, यहाँ पर हम एल्कोहल ग्रुप जोड़ देंगे। अब देखो, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है जिसमें 2 खाली है यहाँ, तो 2 को हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेंगे, इसके पास 1 खाली है, हाइड्रोजन से पूरा किए, इसके पास 2। अब यह जो है ट्राईहाइड्रिक का, ट्राई या TRI लिख दीजिए, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ये 3 तरह से हम हाइड्रोकार्बन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रॉक्सिल फंक्शनल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है उसको भी हम निम्न प्रकार वर्गीकृत करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की, एल्कोहल जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसके संकरण अवस्था पर भी हम एल्कोहलों को निम्न प्रकार डिवाइड करते हैं। तो आइए यहाँ देखा जाए, जैसे देखिए 2 वर्ग में डिवाइड करते हैं किसको? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को। तो ये जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इस एल्कोहल को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है sp3 आबंध वाले एल्कोहल और एक होता है sp2 OH एल्कोहल। अब इसको जो है हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। sp3 वाला एक जो होता है प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा होता है सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी यानी तृतीयक टर्शियरी एल्कोहल। और ये जो है sp3 हाइब्रिड है, और दूसरा होता है एलिलिक एल्कोहल। और sp3 हाइब्रिड वाला, अब तीसरा इसका होता है बेंजाइलिक एल्कोहल।
जबकि ये सिर्फ क्या होता है, एरिल, एरिल या वाइनिल एल्कोहल। अब देखिए प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, पहले SP3OH का मतलब समझ लीजिए, ऐसे एल्कोहल जिसमें क्रियात्मक समूह जो है उस कार्बन से जुड़ा होगा जिसका संकरण SP3 होगा। अब जैसे हम पहला ले रहे हैं, ये पहला प्राइमरी एल्कोहल किसे कहेंगे, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्रियात्मक समूह OH जो है एक डिग्री के साथ जुड़ा हो, उस कार्बन से जुड़ा हो जिसका डिग्री कितना हो एक, और सेकेंडरी में 2 डिग्री, टर्शियरी में 3 डिग्री। अब हम प्राइमरी का लेते हैं, प्राइमरी एल्कोहल इसका डिफिनेशन हो जाएगा ऐसा एल्कोहल जिसमें क्रियात्मक समूह सिंगल बंड OH एक डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है, जैसे CH3, CH2 और OH। अब देखिए ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितना डिग्री है, एक डिग्री है, तो ये हो गया प्राइमरी एल्कोहल। या कहीं भी जैसे CH3 और यहाँ CH2 और CH3, अगर यहाँ से कहीं अगर यहाँ हटाएंगे CH2 और यहाँ लगा देंगे क्या चीज़ OH, तो भी ये क्या होगा, एक डिग्री एल्कोहल होगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। अब द्वितीयक यानी सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होगा, ऐसा एल्कोहल जिसमें क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH द्वितीयक यानी 2 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे CH3 CH और यहाँ CH2, सारे बॉन्ड हमने फिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर CH3 होगा तब पूरा इसका बॉन्ड होगा, यहाँ पर इस कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, क्योंकि ये इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन का, तो ये 2 डिग्री का एग्जाम्पल हुआ। वैसे ही मतलब उसी कार्बन से अटैच होगा हाइड्रॉक्सिल जिससे उसकी डिग्री यानी वो 2 कार्बनों से अटैचमेंट हो। तृतीयक टर्शियरी एल्कोहल का क्या हो जाएगा, जैसे CH2। अब कहीं से यहाँ पर CH3 लिख दीजिए, इसके फुल हो गए, इसका अब टर्शियरी लगाना है तो ऊपर CH3 और OH। देखो ये 3 डिग्री कार्बन है, 1, 2 और 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल अर्थात टर्शियरी तृतीयक एल्कोहल का। अब एलिलिक एल्कोहल किसे कहते हैं, तो एलिलिक एल्कोहल को पहले मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। एलिलिक एल्कोहल ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद आने वाले कार्बन से जुड़ा होता है जिस कार्बन का संकरण SP3 होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, अब यहाँ जुड़ जाएगा OH, और इधर कितना खाली है, 2, तो 2 से, और यहाँ 1 बॉन्ड खाली है हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए, यहाँ भी 2 से, तो यह क्या हो जाएगा, एलिलिक एल्कोहल। ठीक है ना, ये कौन से ग्रुप के सदस्य होंगे, एलिलिक का। या और देख लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड सी H2 और OH, ये एलिलिक होगा क्योंकि द्विक आबंध वाले कार्बन के बाद जो कार्बन आया है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, SP3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, SP3, तो ये भी क्या होगा, एलिलिक होगा, एलिलिक एल्कोहल होगा। इसका अगर आप नामकरण IUPAC नाम लिखना चाहेंगे तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1, 2, 3, 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, 2 पर इन लगा है, 2, IN, 1, ALL। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है बेंजाइलिक एल्कोहल जो SP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका तो आपको क्लियर हो गया कि एलिलिक एल्कोहल ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद आने वाले कार्बन जिसका संकरण SP3 होता है उससे जुड़ा होता है हाइड्रॉक्सिल समूह, तो उसको हम एलिलिक कंपाउंड कहेंगे। अब बेंजाइलिक में देखिए, बेंजाइलिक में क्या होता है, बेंजाइलिक एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल है जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह जो है एरोमेटिक कंपाउंड के अगले कार्बन से जुड़ा होता है जिसका संकरण SP3 होता है। जैसे हमारा ये बेंजीन रिंग है, आप जानते हो सब पर क्या होता है, CH होता है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और कार्बन तो यहाँ छुपा हुआ है, अब इसको मैं समझा रहा हूँ, ऐसे यहाँ समझाने के लिए लिख दिए, यहाँ पर C छुपा है और इससे जोड़ दीजिए CH
और यहां पर जोड़ दीजिए OH, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक एल्कोहल होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, चाहे आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हुआ, एलिलिक कंपाउंड भी तीन तरह के होते हैं, एलिलिक एल्कोहल थ्री टाइप्स होते हैं, एक डिग्री एलिलिक एल्कोहल, दो डिग्री एलिलिक एल्कोहल और थ्री डिग्री एलिलिक एल्कोहल। जैसे CH2, यहाँ पर CH2 कर दिए, या ऐसे करो ना, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और यहाँ OH जोड़ेंगे, इधर कितना हो गया 2, इधर H, इधर S2, तो ये क्या हुआ, इस कार्बन की डिग्री कितना होगा, एक डिग्री, तो ये एक डिग्री एलिलिक एल्कोहल होगा, एक डिग्री एलिलिक एल्कोहल होगा। अगर यही H2C, HC, HC, यहाँ पर देखो H2 है और यहाँ पर हम C जोड़ के, या यहीं पर एक हाइड्रोजन हटा दो या इसको भी हटा दो, CH, अभी इसके पास दो खाली है ऐसे, तो यहाँ पर क्या लगा दे, CH3 और यहाँ पर लगा दो OH, तो ये कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। तो ये एग्जांपल हो गया 2 डिग्री एलिलिक एल्कोहल का। इसी तरह इसी को अगर हम इस H को हटा दें तो इसमें तीन जगह खाली हो गया, और यहाँ एल्किल से जोड़ दो और एक जगह पर हाइड्रोक्सिल जोड़ दो, तो इस कार्बन से तीन कार्बन एटम जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री हुआ। जैसे ये 3 डिग्री हुआ, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री एलिलिक एल्कोहल हो जाएगा। सेम उसी तरह इसको मिटा दे रहे, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बेंजाइलिक का क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड के आगे उस कार्बन से अटैच होता है जिसका संकरण sp3 होता है, OH, ये क्या हो गया, बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया। ये भी एक डिग्री का है क्योंकि यह एक कार्बन से जुड़ा है, ये कितना कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, और इसका संकरण कितना है, sp3 और एक डिग्री है, तो ये एक डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे अगर इसी, यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, तो इसमें कितने बॉन्ड बचे, दो इधर, तो OH, और यहां क्या लिख दे, CH3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। अगर इसी को CHC भी गायब कर दीजिए, CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ OH, तो यहाँ तो C ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। अगला जो होता है sp2oh, इस प्रकार के कंपाउंड में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जो है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, उस कार्बन का संकरण जो होता है sp2 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और डायरेक्ट इसी से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया, तो ये जो एल्कोहल होगा वो क्या होगा, sp2oh होगा। क्यों, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण कितना होगा, sp2, यहाँ H कर दीजिए, यहाँ S2 कर दीजिए, आप संकरण निकालना जानते भी हो। देखो जैसे एक एटम यानी टोटल अटैच्ड एटम का नंबर, तो ये कार्बन एक इस कार्बन से जुटा, एक इससे, इसका 3 हुआ, यानी 3 प्रकार के मोलेकुल या एटम से जुड़ा है, तो एक S हो गया और P2 हो गया, इसका संकरण कितना है, sp2, तो sp2 ये किसका एग्जांपल है, sp2 एल्कोहल का, और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, वाइनिल एल्कोहल। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच।